हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही डिलीशियस लौकी कोफ्ते की रेसिपी। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो कोफ्ते हैं एकदम सॉफ्ट बनेंगे और ग्रेवी का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी कोफ्ते बने हैं, आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखते हैं रेसिपी को। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये लौकी ली है जिसको मैंने पील कर लिया है और इसको ग्रेट कर लेंगे। तरीके से मैंने ग्रेट कर लिया है इस लौकी को। इसमें मैं ये एक कटोरी बेसन है इसको ऐड करूँगी। स्पाइसेस में ये टर्मरिक पाउडर, ये कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ये ग्रेटेड जिंजर है, थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, थोड़ा सा हींग, क्यूमिन सीड, पिंच भर ये बेकिंग सोडा है जिससे जो कोफ्ते एकदम सॉफ्ट बनेंगे, एंड ये सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा को आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऐड करोगे तो जो आपके कोफ्ते बनेंगे वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए आपको पिंच भर केवल डालना है बेकिंग सोडा। तरीके से मिक्स कर लिया मैंने और इसको फ्राई होने के लिए इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना के डालेंगे। जो कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा आप बड़े साइज़ में भी ना बनाएं और बहुत छोटे साइज़ में भी नहीं, और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है क्योंकि अगर आप बहुत लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेंगे कोफ्ते, और बहुत हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर पकेंगे नहीं अच्छे से, इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद में इसको मैं एक टिश्यू पेपर पे निकाल ले रही हूँ जिससे भी जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तरीके से कोफ्ते बन गए हैं। ग्रेवी के लिए ये मैंने लिया है जिंजर है, गार्लिक एंड ग्रीन चिली, इनको मैंने चॉप कर लिया है। ये अनियन है, टू मीडियम साइज़ के अनियन हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है, सबका पेस्ट बना लेंगे। ये टमेटोज़ हैं, इनका अलग पेस्ट बना लेंगे। सब्जी के लिए मैंने ये ऑयल डाला है कढ़ाई में, क्यूमिन सीड, रेड चिली, तेज पत्ता, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसको। ये जो अनियन गार्लिक जिंजर का जो पेस्ट बनाया था वो हम ऐड किया है, इसको अच्छे से भून लेंगे। स्पाइसेस में ये टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है जो स्किप हो गया है। एंड ये थोड़ा सा मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ जिससे इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है टोटली। मसाला अच्छे से भुन गया है, अब इसमें जो टमाटो की प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर दे रही हूँ। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, अगर आपको पतली ग्रेवी रखनी है तो इसमें पानी ऐड कर दीजिए।
अच्छे से बॉयल होने लगी है ग्रेवी, यहाँ पे मैं ये कर्ड ऐड करूँगी थोड़ा सा, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कोरिएंडर लीव्स डाल रही हूँ। तरीके से, और ये सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रखिए आप। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, इसमें ये जो कोफ्ते बनाए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद में इसको चेक करना है। इसको चला देंगे। फाइव मिनट के लिए मैंने उसको दोबारा से कवर किया था, और 5 मिनट के बाद में आप चेक कीजिए, देखिए अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है सारे मसाले आप कोफ्तों ने, सब्जी बन चुकी है। मुझे यही कंसिस्टेंसी रखनी है और सब्जी बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे ये चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स ऐड की हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। तरीके से आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म लौकी के कोफ्ते की रेसिपी बनके तैयार है। आप इसको चपाती या पराठा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बने हैं, और मैंने इसको इस तरीके से डाल के और इस पे थोड़ा सा ये मलाई डाल के इसको गार्निश कर दिया है। थोड़ा सा ये कोरिएंडर लीव्स डाल के आप भी इसको ये सर्व करने के लिए रेडी है। आई होप आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।